नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार लक्ष्मी के लिए परेशान होता हुआ नजर आ रहा है ऋषि, क्योंकि लक्ष्मी ने अपना मंगलसूत्र भी अब उतार दिया है। लेकिन आखिरकार ऋषि करे तो करे क्या, क्योंकि उसे आयुष भी लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इधर लक्ष्मी को साफ साफ करिश्मा बुआ और साथ में नीलम ने, जो कृषि मोम नीलम ने ये आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द घर खाली करके लक्ष्मी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी की कोई ऐसी गलती भी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी को लगातार टारगेट करने का किसी भी तरीका का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। इन लोगों का कहना ये है साफ साफ कि हम लक्ष्मी को किसी लायक भी नहीं छोड़ने वाले, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बात की जाए इस समय लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी इस समय टेंशन के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। हालांकि दोस्तों लक्ष्मी की फैमिली भी परेशान है, और इधर बात की जाए ऋषि की, तो ऋषि तो इतना ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके पास में कुछ ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इधर ऋषि अपने दिल की बात, जो कि आयुष से बताता हुआ नज़र आने वाला है, कि भाई से अपने छोटे भाई से बताएगा, आयुष से बोलता हुआ नजर आएगा कि मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूं, और मैं लक्ष्मी को, ये देखो मेरी बेबसी कि मैं लक्ष्मी को रोकूं तो रोकूं किस हक से। जिसके बाद में आयुष बोलता हुआ नजर आएगा कि भाई मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कि मैं किसी भी तरीका से तुम्हारी शादी मलिष्का जैसी से तो नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन रही लक्ष्मी भाभी से अगर प्यार की बात है तुम्हारी, तो मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि मैं लक्ष्मी की शादी भी नहीं होने दूंगा। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि विक्रांत से भी शादी नहीं होने का वचन देता हुआ नजर आ रहा है इस समय आयुष। और वाकई में दोस्तों आयुष एक ऐसे शख्सियत रहा है जो हमेशा अपने वादों पर कहीं ना कहीं खरा उतरा है, और अब उसने जो वादा किया है, अब उस वादे को किस तरीका से अमल करेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट।